आज हमारे यहाँ राजेंद्र सिंह जी गलो साहब आए हुए हैं और बहुत ही एक्टिव है, समाज सेवी है। तो इन्होंने आज किया है कि मोरिंगा की जो चाय है वो उन्हें पी है और इनकी क्या राय इसके बारे में ये बताएंगे। आज डॉक्टर एस एल शर्मा जी हर्ष जी ने हमें मोरिंगा की चाय पिलाई है और पी करके इतना आनंद हुआ पूछो मत आप। और हम तो अब ये रोजाना इसी चाय को पियेंगे। आयुर्वेदिक भी है, अच्छी भी है और चाय भी शानदार है। और इनकी इनके कार्य का भी जिक्र नहीं करें तो अधूरा रहेगा। इनकी कार्यशैली भी बहुत अच्छी है। लोग एक मेरे हिसाब से तो अगर ये कर्मवीर हैं और क्या बोलते हैं पर्यावरण के लिए जो काम कर रहे हैं और लोगों के हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं वो अविस्मरणीय है। आपकी क्या राय है चाय के बारे में? ऐसे भी आप तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं। मैं केशव सिंह गहलोत, रिटायर्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जोधपुर। आज आपके यहाँ आए और उसमें आपने हमारे को मोरिंगा की चाय पिलाई जिसको राजस्थान में सहजन भी कहते हैं। इसकी जो फली आती है उस फली को हम दाल, उस फली की सब्जी बनती है और दाल में भी उस फली को डालते हैं, फिर उसको खाते हैं। तो उसका बीज भी बहुत पौष्टिक है और अंदर जो गुद्दा होता है उसमें भी बहुत, वो भी पौष्टिक है। और इसकी पत्तियां जो है, पत्ती और फूल, फूल का भी हमारे यहाँ रायता बनता है। और पत्ती को सुखा करके हम इस डस्ट बना करके, पत्ती की डस्ट बना के इसकी हम चाय बनाते हैं। चाय के रूप में, पेय पदार्थ के रूप में भी हम इसको लेते हैं। तो ये हमारे शरीर के अंदर नई ऊर्जा लेके आती है। तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है और पहले आपने बताया था कि मोरिंगा के अंदर सभी तरह के पोषक तत्व है इसके अंदर। बिल्कुल है। साथ ही जो हमारे प्रधानमंत्री जी है वो भी क्या है कि इस हफ्ते में दो दिन तक है, दो दिन इनकी पत्तियां के परांठा बना के खाते हैं। जैसे मेथी के परांठे बनते हैं वैसे इसके बनाया जाता है। इसकी सब्जी बनती है। पत्ती को हम मेथी के पराठों की तरह भी काम में लेते हैं और फूलों का रायता बनाते हैं। ये मोरिंगा है जो सिंधी समाज वाले सिंधी वो सांबर में डालते हैं और वो इसको ज़्यादा यूज में लेते हैं। ऐसे साउथ के अंदर भी मेरे ख्याल ज़्यादातर इसका उपयोग होता है। अब तो क्या है, सभी समाज वाले इसको मोरिंगा की चाय, मोरिंगा की सब्जी, रायता ये बनाते हैं। और इसका एक मोरिंगा का गोंद भी आता है जो काले कलर का होता है, लाल कलर का भी होता है। उस गोंद को सियाही गोंद कहते हैं। काला गोंद होता है, उसे सियाही कलर का होता है। उस गोंद को अगर अपन लेते हैं तो उससे अपने कमर दर्द में या शरीर में कहीं भी दर्द हो उसके लिए बहुत लाभदायक है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लोगों के, लेडीज़ के लिए ज़्यादातर, जैसे ये आर सेठी की एक्ट्रेस सुष्मिता जी है, अभी गुड़गांव के अंदर गया तो वहाँ भी गुनसिंह जी है, वो है, एक प्रीति है। तो सब ने यही बताया कि जो आज तक डॉक्टर ने हमारा इलाज नहीं किया है वो इलाज क्या है कि है वो मोरिंगा ने कर दिया। तो इस तरह से वो उन्होंने बताया था।